कि मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ ना करो। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, वल्ला सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, घर का लूटना बर्दाश्त कर सकता है, वालिदैन का लूटना बर्दाश्त कर सकता है, ठीक, लेकिन वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आलिया के मुताबिक कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लाख मरतबा कत्ल करो हमें, लाख मरतबा हमें जेलों में सड़ाओ, लेकिन मुसलमान यह बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों? मेरा ईमान तब ईमान है जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामुस महफूज है। मेरा ईमान तब ईमान है जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ यह कुरान महफूज है। मेरी हजार माएं कुर्बान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, हजार बाप कुर्बान मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन नालहन पर। मुसलमान कभी अमन के खिलाफ नहीं करता है, मुसलमान कभी अमन के खिलाफ हरगिज नहीं कर सकता है। क्यों? मुसलमान उस अमन वाले नबी का शिदाई है जिस अमन वाले नबी ने दुश्मनों परायों को भी अमन दे दिया, और उन दुश्मनों को भी जो आप अलैहिस्सलाम के जानी दुश्मन हुए आप अलैहिस्सलाम ने उनको भी अमन दिया। भला मुसलमान अमन का दुश्मन हो सकता है? उम्मत का जवान अपनी जवानी से खेल सकता है मोहम्मद सल्लम की खातिर? इंशाल्लाह सही जाओ नहीं का ता शुभ ये मेरी नबी सबन इज्जत आए नाउज़ुबिल्लाह। मेरी माँ को कोई लाख मरतबा गाली दे, मेरे बाप को कोई लाख मरतबा गाली दे, मुझे वल्ला ये बर्दाश्त हो सकता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों से मुतलिक कोई बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।